शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्या सोच रहे थे, इसके अंदर का माल उठा के फेंक डालते हैं, ये बैग रख लेते हैं, कपड़े रखने का काम आएगा। अच्छा बैग है यार। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? मालूम है इसकी कीमत क्या है? 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया? ये अरे 5,000 के ऊपर की चीज नहीं है ये। अबे ढोलकी के, मैं इस बैग की बात नहीं कर रहा हूँ, अंदर के माल की बात कर रहा हूँ। ये कचरे का 1 करोड़ रुपया तूने क्या मेरे को ये ना समझाई क्या? हाँ, ए तीसरी फेल पीटी पास, मैं बी इंग्लिश हूँ, समझे? ये सब जानने समझने के लिए अक्ल चाहिए, जो तेरे पास नहीं मेरे पास है। सुनो सुनो, मैं क्या बोल रहा, मेरी बात सुनना। अगर वाकई ये माल 1 करोड़ रुपए का है तो इसको साले को बेच डाले, कम से कम सारी जिंदगी उस चंपक सेठ के लिए अपना पिछवाड़ा उठा उठा कर मुजरा करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अरे दो गाली मारेंगे उस चंपक सेठ को और सारी जिंदगी ऐश से जिएंगे। क्या बोलता है, इस माल को बेच दे? हाँ बेच दे बेच दे। एक काम कर, तू सड़क पर दरी लगा और माल बेचना शुरू कर दे। बोल ट्रक्स ले लो, ट्रक्स ले लो, ट्रक्स ले लो। पब्लिक आएगी क्या? आएगी ना, वर्दी पहन के आएगी। पुलिस, excuse me, where's the police station here, please? But I'm from Russia. Don't ask me stupid questions. क्या 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 बोला ये? इधर है, तू इधर है। और तेरे को उठा के लेके जाएगी और 150-200 साल के लिए अंदर डाल देगी। नहीं नहीं, अपुन एक काम करते हैं, हम लोग इस कचरे को ले जाकर कचरे में फेंक देते हैं और अपुन कचरे से बाहर आ जाते हैं भाई। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुन। चल अपन पुलिस स्टेशन चलते हैं, पुलिस वालों को सारा सामान देते हैं और इसके बाद उनको बोलते हैं कि हम लोग, हमको अंदर करो, हम अंदर आने के लिए तरस रहे हैं। दिमाग खराब है क्या तेरा? उल्टा उन लोग हम लोग को इनाम देंगे हमारी ईमानदारी के लिए, बल्कि मेरी एक फोटो भी छपेगी। यू मेरी क्यों नहीं छपेगी? लेकिन तेरी छोटी छपेगी। क्यों? डिग्री नहीं ना तेरे पास? ए, हमको भी सोचने का मौका दो भाई। सोचने के लिए दिमाग चाहिए, तू सिर्फ अपने कान खोले रख और मैं जो सोचता हूँ वो सून, बस। नहीं नहीं, फिर भी हमारा भी सोचना जरूरी होता है। टैक्सी, जल्दी आओ मूर्ख, जल्दी आ। Do you want us to believe this stupid story? That someone gave you the drugs, then run away? Officer, please try and understand. Listen, I'm from India and I only speak the truth. Shut up! तो चुप यार, मैं समझाता हूँ। देखे जमादार साहब, ये तो शराबत की हद हो गई। हम लोग यहाँ पर आए थे एक नाटक करने के लिए, नाटक के लिए हीरोइन चाहिए। What do I know? बस इतनी सी बात थी कि उस गुल्लू के पट्टे ने हमसे कह दिया कि तुम जाकर यहाँ पर गार्डन में खड़े हो जाओ, वहाँ पर जो लोग होते हैं वो हीरोइन देते हैं। तो हम लोग जाकर शराफत से खड़े हो गए। इतने में देखते हैं कि दो सांड टाइप के लोग आते हैं, दोनों की आंखों पर काला काला चश्मा, एक गोरा एक काला, गोरे गोरे मुकुट पे काला काला चश्मा, और दोनों के दोनों अंधे, और आकर मुंह पर सिगरेट लगाते हैं और हमसे पूछते हैं कि भाई साहब माचिस मिलेगी? हमने भी ईमानदारी से माचिस लगा डाली। अब माचिस लगा डाली और निकाल कर आग लगाई रहते हैं। इतने भाई साहब कहते हैं कि फू, सारे ने माचिस बुझा डाली। और जब पूछा कि हीरोइन मिलेगी तो बोलता कि नहीं, यहाँ पर तो पुड़िया मिलती है। तो हमने सोचा कि शायद आपके देश के अंदर भैया हीरोइन को पुड़िया कहते हैं, तो हमने कहा तो पुड़िया सी, पुड़िया बता दो। तो बस इतना बोलने की देरी, इतने में उसने उठाया हमारा बैग ले लिया और अपना बैग थमा दिया और जाकर साले फूट गए। अब फूटने के लिए हम लोग भी फूट सकते थे, लेकिन भाई साहब के दिल के अंदर एक क्षता जगी और गता बन के हम लोग इधर आ गए। Sir, we have two Indians here with a case full of drugs, but we don't understand their language. Okay, sir. यानी दो आदमी आए और तुम्हें ये बैग देकर चले गए। सर सर, वी आर इंडियंस, बाय बाय सर। शायद आप आंसर द क्वेश्चन। यस सर, मानता हूं, मगर ये ड्रग्स के बैग तुम्हारे पास पाए गए, या तो मुझे तुम्हें बंद करना पड़ेगा या तुम दोनों को अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। कैसे? हाँ कैसे? क्या तुम्हारा कोई लंदन में है जो स्टेटमेंट पर साइन करेगा या तुम्हारी जामिन देगा? नहीं 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 सर, लंदन में नहीं है, लेकिन इंडिया में बहुत है। बोलो बुलाऊं? नहीं, उनका भाड़ा कौन भरेगा? तो क्या क्या बंद कर, नहीं तो ये फिर अंदर डाल देंगे। सर एक टैक्सी ड्राइवर है सर। सर लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि मुझे मालूम नहीं वो कहाँ रहते हैं सर। उस टैक्सी का नंबर? जी टैक्सी का नंबर है LH AG 36। एक मिनट यार, तू याद करने दे, 3669 सर। ऑफिसर, find where the taxi is parked. ye raha taxi stand, chalo. Secret police, run. Come on, come on. भाई साहब गुल्लू का है? हाँ अंदर बैठ के बात कर उससे। अरे टैक्सी, चलो कहाँ जाना है? चलो कहाँ जाना है? अरे कहाँ जाना है बाद में देखेंगे, चलो। इमरजेंसी इमरजेंसी, गो मैन, चलो चलो जल्दी चलो गुल्लू। Okay.
बताना कहाँ है? अरे तुमको जहाँ भी जाना है वहाँ ले चलो गाड़ी, लेकिन गाड़ी तेज चलाए, इमरजेंसी है। क्यों समझा जा रहा है क्या? यार है? इन पुलिस वालों को समझाओ यार, इन लोगों ने हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नाम? गुल्लू। तेरे कुत्ते का नाम नहीं पूछा, तेरा पूरा नाम बता। वो गुलाब सिंह लखन सिंह हरियाणा वाले। इन्हें जानते हो तुम? नहीं नहीं साहब, इसने कहा था वो लड़की वड़की। क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, हुआ क्या है सर? तुमसे जितना पूछा गया उसका जवाब दो, जानते हो इन्हें कैसे? ये लोग भारत से आए हैं सर, वो क्या कहते हैं ड्रामा नाटक करने आए हैं लोग, इनके साथ 15-20 लोग और भी हैं सर। कहाँ रहते हैं? ऑस्ट्रेलिया पार्क में सर। ऑर्गेनाइजर कौन है? रविंद्र जी तनेजा सर। सर वो क्या है, सीधे साधे लोग हैं, पहली बार यहाँ आए हुए हैं सर। इन लोगों ने कोई गड़बड़ की है क्या सर? बहुत बड़ी। एनीवे ऑफिसर प्लीज टेक द सिग्नेचर ऑन द स्टेटमेंट। कम ओवर हियर लैड्स, कम ऑन। क्या हुआ? इस वक्त मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, चलो। साइन हियर टॉप वन। जब भी पुलिस स्टेशन बुलाए तो हाजिरी देने पहुँच जाना। और हाँ, अगर वो ड्रग सप्लायर जिसने तुम्हें ड्रग्स दिया है दिख गया तो मुझे इस नंबर पे फोन कर देना। ओके थैंक यू, बी गुड। थैंक यू सर। ओके सर, बाय सर। आदमी है कि कबूतर, बोला था ना पुलिस से संभल कर रहना। अबे इसको बोल, इसको साला। खुश हो गया तू? खुश हो गया साला? बीए पास, अंग्रेजी बोल बोल के मेरे दिमाग कितने का डाली इसने। कितना समझाया, कितना समझाया कि साला ये मुसीबत की पोटली है, फेंक इसको, फेंक इसको। नहीं चल 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 कर, क्या बोल रहा था तू मेरे को? हाँ पुलिस में चलते हैं, इनाम मिलेगा। हैं अखबार के ऊपर तस्वीर छापू की तस्वीर तेरे मुंह के ऊपर। हमें मार मार के पुलिस ने कीमा नहीं किया ना, तो सिर्फ इसलिए नहीं किया कि मेरी माँ ने कुछ अच्छे कर्म किए थे पिछले जन्म में। साले कल के लौंडे सिखाने लगे। गुरु गुरु जी, दरअसल बात यह है, एक फिल्म का हीरो आया है एक छोटी सी समस्या लेकर, आप उसकी मदद कर सकते हैं, इसीलिए तो बाटली लेकर आया हूँ। आप उसकी समस्या सुलझा दो प्लीज। भाई चल 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 चल। सेटिंग हुई? हुई नहीं, हो जाएगी, चिंता मत करो। मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ा झूठ बोल दिया है। मैंने कहा तुम फिल्में बनाते हो, उसमें तुम मेन हीरो हो। क्यों, ड्रामा में क्या प्रॉब्लम है? अरे ड्रामा टीवी सीरियल बोलेगा कोई लड़की काम नहीं करेगी। लेकिन मुझे, अरे लड़की चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। हाँ तो चुपचाप चलो, दिमाग का बैंड मत बजाओ। लेकिन मुझे कंचा लड़की चाहिए। अच्छा ड्रामा नहीं करना है, कंचा खेलना है उसके साथ। अबे कंचा मतलब सुंदर होता है। अच्छा चल, चलो चलो, यानी बावला हो गया तू लंदन में रह। आजा आजा आजा, आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ। गुरुजी कौन है? ये मिस्टर बंटी हैं, पैर छुओ। ओह तुम इस आदमी को जानते हो? इनका नाम है बंटी। बंटी? अरे इनकी पिक्चर के बारे में तो सुना होगा ना, ये अपने खुद की फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं और उसके मेन हीरो भी। तो मेन हीरो वो ना गुरुजी, वो मैं नहीं हूँ, वो ये है, इनके बारे में बात की थी ना मैंने आपसे। तो फिर तू कौन है? मैं गुल्लू, टैक्सी ड्राइवर। मतलब तुम गुल्लू और ये टैक्सी ड्राइवर? नहीं, 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 वो दोनों मैं ही हूँ। तो फिर ये कौन है? ये बंटी है। ये फिल्मों में क्या कर रहा है? ए, तुम दोनों मेरे को पागल मत बना, बहुत हो गया अब तुम लोगों का। इसको पूछ मेरे को जिस जिस काम के लिए आओ, मेरे को चाहिए मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करे। इसको पूछ लड़की कहाँ मिलेगी मेरे को। औरतें चाहिए? औरतें नहीं, एक लड़की चाहिए फिल्म में काम करने के लिए, वो भी हिंदुस्तानी मटेरियल होनी चाहिए। मिल जाएगी? अब गुरुजी वो लड़की वो जल्दी से करवा दीजिए। वो तो मैं भूल ही गया था, आज से 200 साल पहले 200 साल पहले ग्रुप में एक लड़की थी, वो तुमको मिल सकती है। क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका? नाम बता। पद्मिनी, शंखिनी, मोहिनी। रामायण के नाम नहीं, आज के नाम बता। जूली, सीमा, रीमा। हाका। हाका, ये कैसी डायन का नाम है? हाका ये डायन का नाम नहीं है, ये मेरे आदमी का नाम है। अब भाई इन्हें आदमी नहीं, इन्हें एक लड़की चाहिए। यहाँ कहना ये मेरा आदमी है, इसके पास जाएंगे ये बताएगा वो लड़की कहाँ रहती है। तो अब चले कहाँ भाई साहब? हाका के पास, हाका को ढूंढने। मैं भूल गया था, एक मिनट। ए तू मुझे कल बोलता ना, मैं हाका से मिलकर कल ही तुमको हीरोइन से मिला देता था। अरे तुमको मेरी पहुंच नहीं मालूम है, मैं हर हीरोइन को जानता हूँ। और तुमको पता है मेरी माँ इंग्लिश थी और मेरा बाप पंजाबी, और मैं उनका रिजल्ट हूँ।
कितनी जल्दी पहुंच गए। हाका बाहर आओ। आप अंदर चलिए, अभी गाड़ी चली भी नहीं, आप चलिए अंदर, चलिए चलिए। कहीं ये पागल तो नहीं है, मेरे सारे पैसे बर्बाद तो नहीं करोगे तुम? नहीं नहीं उतर जाएगी, चिंता मत करो ना, सब ठीक हो जाएगा। बैठो बैठो बैठो। पहुंच गए। अरे अभी तक नहीं पहुंचे, बार बार निकल भी जाते हो। चलिए बैठिए बैठिए अंदर। चुप है ए बॉयज, हका यहाँ आया था? कुछ लोग आए थे कर्जा वसूल करने, तब से गायब है, घर पे होगा। लेकिन बात क्या है गुरुजी? ये जो भाई साहब है ना, उनको फिल्मों में लेना चाहते हैं। अरे किसी को हका का घर मालूम है क्या? तो बेवड़ा हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। एक मिनट, लेकिन ये सब क्यों आ रहे यार, तुम लोग क्यों घुस रहे हो? चलो घुसो घुसो। अरे एक दो जना लो, सब के सब क्यों आ रहे हैं यार? हैंग ऑन, हटा काम, पीस ऑफ माय ये तुमको अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं क्या? कितना मारने का शर्त है? अगर रोल चाहिए तो तुम्हें उस लड़की को हीरोइन बनाना पड़ेगा जो तुम्हारे ग्रुप में काम करती थी। क्या नाम है उसका? नाम वो उसका नाम से क्या करना तुझे? साले शादी करी उसके साथ? भाई साहब नाम छोड़िए, आप बताइए कहाँ रहती है वो? वो जानने के लिए जल्दी बताइए, घर जाना पड़ेगा ना। हाँ तो फिर चलो चलो चलो। कैसे कैसे ये लाल डब्बा में क्यों ना? ओ यस, चलो चलो। हालांकि मेरी टैक्सी लाल डब्बा भूल गया। चलो कहाँ है? बस ये पास में, जर्मनी। जर्मनी में कहाँ? अरे वो, अरे वो तू भूल जाना, वहाँ जाके देख लेंगे ना, ढूंढेंगे ना। चलो 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 चलो, बैठो 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 बैठो। अबे ओ, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे तू? जर्मनी, खाली 7 घंटे का तो रास्ता है। 7 घंटे का रास्ता? ये पेट्रोल का इतना भाव भरेगा? ये सब बारह तेरे को लेके जाएंगे हम लोग। अरे तो लड़की क्या हमें चाहिए? मुझे नहीं चाहिए लड़की, इन हराम घरों को बोल बाहर निकले, मुझे नहीं चाहिए। ये नहीं मानेंगे, ये जर्मनी जाकर ही मरेंगे। सुन ले, चलो जल्दी चलो। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? गाड़ी बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही। तो क्या कर रहे हैं? हाँ तो उतरो ना अभी, सब लोग उतरो। अरे लेकिन आप जर्मनी जा रहे हैं। हाँ तो धक्का मारोगे तो जर्मनी जाएंगे ना। चलो 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 जल्दी चलो, जाओ जल्दी जल्दी। हाँ भाई खड़े मत रहे भाई, चलाओ जल्दी। आराम से आराम से आराम से, प्लीज वेट, स्लो स्लो स्लो। ओके नाउ यू कैन गो। चलो चलो भाई, धक्का मारो धक्का मारो। हाँ भाई आओ, जोर से बोलो जर्मनी। अरे मेरे को धक्का मार, पर गाड़ी को धक्का मार। कैसा आदमी है यार। अबे ये सफेद खरोश कौन है? कोई भूत तो नहीं है? अबे नहीं, भूत के पांव टेढ़े होते हैं, इसके पांव सीधे। तो बिंदास बिंदास भागा भागा, वो अपने आप निकल जाएगी। वो साड़ी वाली औरत हो, मरने निकली है क्या? मैं मरना चाहती हूँ। तो मेरी गाड़ी मिली थी मरने के लिए? इस रोड पे और भी तो कितनी सारी गाड़ी है, वहां जाके मरो ना। पता नहीं सुबह सुबह जब भी चंपक सेठ का चेहरा देखता हूँ, सारा दिन खराब हो जाता है, उल्टे सीधे लोग ही मिलते रहते। वो देखो एक एयर कंडीशन गाड़ी आ रही है, वहां जाके मरो। जाओ जाओ जाओ, भागो भागो ऐसे भागो। चल बे। ए, ये क्या कह दिया, वो तो सचमुच जा रही है। हाँ तो जाने देना, मरने दो उसको। अरे ये मरेगी तो हम लोग जिम्मेदार होंगे ना। वो कैसे बे? अरे यार तुम्हारी ये हादसा होते हुए कौन देख रहा है? हम दोनों। तो कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन लगाएगा? अब ड्राइविंग लाइसेंस जाएगा मेरा, जाओ रोको उसे, जाओ। अरे मैं लंदन क्यों आया? वो विधवा औरत हो, वो विधवा, पागल हो गई है तुम।
खुदकुशी करने के लिए इंडिया से यहाँ तक आए हो तुम? आधी रात को पत्नी से झगड़ा करने के लिए यही जगह मिली थी क्या? अरे घर में जाकर झगड़ा करो, कोई पब्लिक प्लेस में नहीं। तेरे को इससे क्या मतलब है? तू निकल यहाँ से, चल गाड़ी निकल यहाँ से, हट हट हट। छोड़ो। क्यों मरने के लिए? लेकिन हमारे सामने नहीं मरना, हम लोग कोर्ट कचहरी नहीं जाने का। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं तुम्हारा भाई हूँ। हे भगवान, मार दिया बेचारी को। चल बे गुल्लू, टैक्सी निकल। अरे तुम आदमी हो कि पैजामा? इसे इस हालत में छोड़ कैसे जा सकते हैं? तो मैं क्या करूं? जरा सोचो, अगर इसे कुछ हो गया तो इसके मर्डर के केस में तुम्हें हो जाएगी फांसी और मुझे हो जाएगी सजा। तो मैंने थोड़ी मर्डर किया, इसका पागल है क्या? अरे तुझे और इसे झगड़ा करते हुए किसने देखा है? हैं? वो गाड़ी वाले ने। वो जाके कोर्ट में बोल देगा तो फिर? तो क्या करें बताना बोने? अरे एक मिनट यार भाई, कोई देख लेगा, बताना। ये तेरे को चलेगी क्या? अबे तू पागल तो नहीं है? मैं अपने प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, तू लड़कियां सप्लाई करने की बात कर रहा है मेरे साथ। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, तुझे नाटक में हीरोइन की जरूरत है ना, ये ठीक है क्या? ये हाँ, ये आत्महत्या की दुकान? हाँ, हाँ। अबे पागल है, अगर चालू शो में आत्महत्या कर बैठी तो लोग सीटें जला देंगे, मेरे कपड़े फाड़ देंगे और सेठ जी तो वैसे ही आत्महत्या कर लेंगे, मुझे नहीं चाहिए। देख, वैसे तेरे पास कोई चॉइस नहीं है, सोच ले, तुझे हीरोइन की जरूरत है और ये आत्महत्या करने जा रही है। आदमी आत्महत्या क्यों करता है? बोल बोल, सोच सोच, बता बता बता। क्योंकि टेंशन या कोई प्रॉब्लम होती है उनको। हाँ तो इसको पैसे वैसे की प्रॉब्लम होगी तभी तो आत्महत्या करने जा रही है बेचारी, और तू इसको हीरोइन ले लेगा तो इसकी पैसे की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और तेरी हीरोइन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये भी खुश, तू भी खुश, अपन तो वैसे खुश। ये सोच भाई भाई भाई, डिसीजन ले डिसीजन ले, अपने को लगता है ऊपर वाले सही मौके से इसको भेजा है। अगर इसने मना कर दिया तो? हाँ तो जाए तेल लेने, इसे ही छोड़ देंगे, हमसे क्या लेना देना? तो हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, इसको बोलेंगे चली जाए यहाँ से। हाँ, चली जाए, पक्की बात है? पक्की बात, ठीक है ठीक है, चल चल उठा उठा उठा। तो इसकी साड़ी पकड़, मैं इसका ब्लाउज पकड़। उठा 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 उठा। अरे भाई, बड़े खाए पिए खानदानी की लगती है। तुझे कैसे पता बे? अरे भाई, वजन देख के नहीं लगता है। इसके हिसाब से तेरे घर में सब भूखे नंगे होंगे। वाकई में कितना वजन है इसका? अबे क्या पड़ोसियों के बच्चे खाती है ये? अबे मेरे हाथ पे बिठा दिया। अरे ये क्या, अब क्या हुआ? अरे वो कहाँ गया वो बेवड़ा? कहाँ गया वो बेवड़ा? अरे इस उथल पुथल में कहीं इधर उधर चला तो नहीं गया? चल मरने दे अपने को, क्या? चल चल। अरे इसकी अब नीचे क्या देखा, पहिए क्या, कीड़ा है क्या वो? चल।